मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। देश के अमृतकाल को जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम काल बनाकर एक युगांतकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने विजन के कारण जम्मू कश्मीर चौमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित है। पहले जो सुविधाएं विदेशों में उपलब्ध थीं वो सुविधाएं अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी सुलभ होंगी, एक्सेसिबल होंगी। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और इसलिए मैं मानता हूं कि विकास भी विरासत भी कि जिस संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है उस यात्रा में आज का यह दिन निश्चित रूप से याद रखा जाएगा। विस्टाडोम कोच की बड़गाम से बनिहाल की यात्रा सही मायनों में एक लंबी छलांग है। यह अत्याधुनिक सुविधा बदलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की नई आकांक्षा का प्रतीक है और मैं इस मॉडर्न ट्रेवल एक्सपीरियंस के साधन के लिए जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों तथा देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़गाम बनिहाल ट्रैक पर दौड़ने वाली स्पेशली डिजाइन विस्टाडोम कोच से कश्मीर घाटी के टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलेगा और बड़गाम श्रीनगर अवंतीपुरा अनंतनाग काजीकुंड तथा बनिहाल स्टेशन पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, समृद्धि की संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। विस्टाडोम के मनमोहक एयर कंडीशन कोच की चौड़ी खिड़कियाँ, कांच की पारदर्शी छतें, मनोरंजन और रोटेटिंग सीट और अपनी पसंद का भोजन मील, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यात्री पहाड़ भी, वादी भी, हरियाली भी और बर्फ भी, सबका आनंद एक साथ ले सकेंगे। लोगों को, देश भर से आने वाले लोगों को कश्मीर घाटी एक नए रूप में देखने का अवसर इसके कारण प्राप्त होगा। इस वित्तीय वर्ष में ही कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के जरिए जुड़ जाए, मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए एक अच्छा समय होगा और इसके कारण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आज के विस्टाडोम कोच का लोकार्पण यहाँ की आवाम के सपनों को ऊंची उड़ान का लक्ष्य और जम्मू कश्मीर को पूरी तौर पर एक नई शक्ति देगा।